हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं जिस्म तो जख्मी है, इस साउंड पे जितने भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सारे के सारे वीडियो वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको वीडियो शूट किस प्रकार करना है और वीडियो को एडिट किस प्रकार करना है, सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है, तो आपने वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को चार पार्ट में शूट किया था, तो आपको भी वीडियो को चार पार्ट में शूट कर लेना है। तो सबसे पहले वीडियो को मैं साउंड को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मैं वीडियो को एक बार प्ले कर भी दिखा दूँगा वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है। तो मैंने सारे वीडियो में से ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर दिया हूँ। तो फर्स्ट वाले वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वीडियो को मैं एक बार प्ले कर भी दिखा देता हूँ, सिंपल जैसे कि। लेकिन आप वीडियो जब भी शूट करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है, आपके वीडियो में 50 से 60% पार जो आपको आसमान दिखना चाहिए, तभी आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। एडिट करने में बिल्कुल आसानी होगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, देख लेना आप, एक बार से दो बार देख लेना है आपको। सेकेंड वाले पार्ट कुछ इस तरह से, किस तरह इस तरह से आपको एडिटिंग करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट का वीडियो यहाँ पर कुछ इस तरह से शूट करना है, वीडियो देख लेना। आपको कैमरा को कुछ उस ऊपर की तरफ जाना है, स्काई को जो आसमान जो दिख रहा है आसमान को थोड़ा यहाँ पे कैप्चर करना है कुछ इस तरह से। कैमरा को कुछ उस आप नीचे की तरफ बैठे रहेंगे और कुछ इस तरह से एक्टिंग करेंगे, कैमरा कुछ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट का वीडियो शूट कर लेना है। फोर्थ पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग कर लेना है, ठीक है। यदि आप इस टाइप का वीडियो बनाएंगे तो आपको वीडियो पर 100% है कि लाइक्स एंड व्यूज आने के चांसेस है। तो आप यहाँ पे देख ले वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है, वो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। यदि आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको वीडियो में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा भी आपको शूट हो जाता है, तो आप कैसे रिमूव करेंगे। एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो में समझा देता हूँ कैसे आपको रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, मान लो आपको इस वीडियो में से आपको यहाँ से पार्ट आपको एक्स्ट्रा है लेफ्ट साइड का, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा होगा तो ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड का पार्ट आपको रिमूव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो भाई यहाँ पे रिमूव नहीं करना था, हम इसे बैक कर लेते हैं। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा होगा तो सिंपल आपको वीडियो को लेयर पर लेकर आना है और यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट या फिर ट्रिम टू लेफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हम कुछ इस तरह से आए और यहाँ पर जैसे कि हम घूम रहे हैं तो यहाँ पर हमें आग की तरफ पीछे की तरफ में दिखाना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उस वीडियो को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने तीन वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, तो आपको तीनों वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है क्रोप पे, कुछ इस तरह से आपको क्रोप कर लेना है और नीचे की तरफ से जहाँ से आपको आगे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको क्रोप कर देना है, ठीक है। क्रोप करने के बाद इस वीडियो में आप देख सकते हैं कहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है, देख लेना है। देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे इसे आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद इस पोजीशन में आएंगे जहाँ से आपको दिखाना है और यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है, काफ़ी ध्यान से आपको यहाँ पे मैच करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओवरले हो गया, ओवरले पे क्लिक सकते हैं, मल्टीप्ले पे क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर सकते हैं, हार्ड लाइट पे क्लिक कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है और ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट आपको कर देना है कुछ इस तरह से, अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। क्रोपिंग पे आएंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा था एक्स्ट्रा पार्ट को आप क्रोप भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इसके बाद डन करना है। तो आप देखना फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हो चुका है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो खत्म हो रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है ट्रिम टू हम राइट करते हैं। अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं फर्स्ट वाला वीडियो कुछ इस तरह से हो चुका है और सेकेंड पार्ट का वीडियो हम जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमें देख रहे जैसे बादल गरजने का सीन लेकर आना है। सिंपल इसी पोजीशन में आना है, आपको ध्यान रखना है, आना है लेयर पे, आना है मीडिया पे आना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकेंड वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको देखना है कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सिंपल आपको एक से दो बार में आपको प्ले कर देख लेना वीडियो को। तो इसको आपको कुछ इस तरह से जूम भी कर सकते हैं और सही से आपको एडजस्ट कर लेना है, जहाँ तक आपको बादल दिख रहा है वहीं तक आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। इसके बाद फिर से हमें नीचे की तरफ आना है ब्लेंडिंग पे और यहाँ पे आपको ओवरले मल्टीप्ले जो भी सेलेक्ट करना है कर सकते हैं, तो मैं ओवरले सेलेक्ट कर देता हूँ। और आपको देखना है जहाँ से भी वीडियो आपको रखना है आप रख सकते हो। तो मैं आपको एक बार
जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से हमको रखना है, वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद आपको लेकर कहाँ तक आना है, यहाँ से लेकर आना है, इसी पोजीशन में आपको काफ़ी बार मैं समझा रहे हैं, ध्यान रखना है, इसको प्रेस करके रखेंगे, यहाँ तक लेकर आ जाना है और आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा सेकेंड पार्ट का भी वीडियो रेडी हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट का वीडियो को एडजस्ट कर चुका हूँ। इसके बाद अगर थर्ड पार्ट का वीडियो को मैंने यहाँ पर एडजस्ट करना है, थर्ड पार्ट का लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, वीडियो का भी लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आपको सेलेक्ट करना है। अपने हिसाब से आपको मैं तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है, स्काई जहाँ तक दिख रहा है, और इसे आपको रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले हो गया, ओवरले हो गया, जो भी आपको अपने हिसाब से देख लेना, एक से दो बार वीडियो को प्ले कर एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो हमारा नीचे की तरफ करते हैं तो हमारा स्काई भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल इस पर क्लिक करना है और कुछ नीचे की तरफ ही आपको इसके जूम करके एडजस्ट करना है, काफ़ी ध्यान से यहाँ तक रहने देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग पर आते हैं, यहाँ पर हमें ओवरले सेलेक्ट कर देता हूँ। ओवरले सेलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ओपेसिटी के कम बेस कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, इसके बाद डन कर देना है। हमारा देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से तैयार हो गया, सेकेंड पार्ट का कुछ इस तरह से, थर्ड पार्ट का कुछ इस तरह से। आगे हम फोर्थ पार्ट में वीडियो को आपको क्या करना है, जैसे कि बैकग्राउंड में होता है ओरिजिनल वीडियो आपको सेव नहीं देना है, बैकग्राउंड में आपको व्हाइट करना है। तो व्हाइट करने क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट एस लेयर ले लेंगे, ये डुप्लीकेट हो गया हमारा, और इस लेयर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आना है कलर फिल्टर पर, और यहाँ पे आपको यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है सिंपल। इसके बाद डन करते वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और बड़ा सा, और उसको कुछ ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है। थोड़ा हल्का बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आना कहाँ पर है, ब्लेंडिंग पर आना है और यहाँ पर आपको मल्टीप्ले कर देना है सेलेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं मल्टीप्ले सेलेक्ट करते ही आपको कुछ इस तरह से इमेज देखने को मिल जाएंगे, और ओरिजिनल वीडियो में भी आपको देखने को इसी प्रकार ही मिलेगा। इसके बाद डन करना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको क्या करना है, अब जितने भी वीडियो है सारे वीडियो को साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो सिंपल मैं करना कैसे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड पे क्लिक करेंगे और इस पर आपको क्लिक करते ही आपको सारा वीडियो को साउंड म्यूट हो जाएगा। तो एक एक करके आपको सारा वीडियो को साउंड को म्यूट कर लेना है। तो मैं फटाफट सबसे पहले साउंड को म्यूट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारा वीडियो को साउंड को म्यूट कर चुका हूँ। म्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उस वीडियो को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएंगे। वीडियो को सेलेक्ट करेंगे फिर से हमें, इसे आपको देख सकते हैं थ्री डॉट से ऊपर एक डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देना है। हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी वीडियो को साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट।